हाँ, स्वागत है बच्चों फिर से। जो क्रिस्टलीय ठोस के बाद जो टॉपिक है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। और इसमें देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन्हें एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं हम, और एमोर्फस सॉलिड का मीनिंग होता है नो फॉर्म, जिनकी कोई आकृति नहीं होती। यानी कि एमोर्फस ए वर्ड लगा हुआ तो कोई आकृति नहीं होती है। तो इसके अलावा ये वास्तविक ठोस नहीं होते हैं, यानी कि ये आभासी माने गए हैं। इनमें बहने का भी गुण पाया जाता है। जैसे पुरानी जो बिल्डिंग होती हैं उनमें जो विंडोज में ग्लास लगा रहता है, शीशा लगा रहता है कांच, वो नीचे की तरफ थोड़ा मोटा हो जाता है, या बहुत दिन पुराना कांच रखा हुआ है तो नीचे की तरफ मोटा हो जाता है, ऊपर की तरफ वो पतला रहता है। तो क्यों? क्यों धीरे धीरे सूर्य की जब गर्मी पड़ती है विंडोज पर, तो वो धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे पिघलता रहता है, और सालों में जाके वो बहुत सारे वर्ष बाद वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो ऊपर से पतला हो जाएगा, नीचे से मोटा हो जाएगा। इसका इसका मतलब वो ठोस भी है और वो द्रव की भी प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको आभासी बोलेंगे हम, वास्तविक ठोस नहीं होगा वो, और इसलिए उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो कांच को अतिशीत द्रव कहा गया है, अतिशीत द्रव कहा गया है, और ये पूरी ये आभासी ठोस होता है। इसके अलावा जो कणों का ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कुछ दूरी तक हो सकता है, कि जैसे समझिए कि यहाँ ए बी ये ऑर्डर है और बी ए ये ऑर्डर में है, लेकिन बाद में फिर चेंज हो जाए, हो सकता है फिर बी ए बी ये ऑर्डर, तो ये कुछ ही दूरी तक इसमें ऑर्डर रहता है, कणों में क्रम रहता है। जैसे क्लास में आगे स्टूडेंट बैठे हैं वो ऑर्डर क्रम में है, लेकिन पीछे वो एक साथ मिल गए, कोई क्रम न रहा, तो उसे कहेंगे कि कुछ दूरी तक ही रहता है, तो इसलिए ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। इसके अलावा क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर पहले चाकू से इसको काटते हैं दो पार्टों में, तो जरूरी नहीं है कि जो सतह है वो समान बने। जैसे मान लीजिए ये है, ये कोई है, इसको हमने काटा यहां से, तो पता चला एक तो इस टाइप से बन गया और एक की सतह इस टाइप से बन गई, ठीक। यानी कि जो सतह है वो समान नहीं है, हो सकता है ये यहां से कुछ टूट जाए, थोड़ा सा इस टाइप का पार्ट बने, कुछ कुछ अलग टाइप का, और ये जो है ये इस टाइप का पार्ट बने, ठीक। तो सतह जो है वो समान नहीं होंगी इसकी, तो इसमें जो विदलन का गुण है वो नहीं पाया जाता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाएगी। और गर्म करने पर, अब देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके, जैसे लोहे का है, अगर मान लीजिए लगभग 1600-1700 के आसपास वो और पिघलता है, तो एक फिक्स होता है, जैसे किसी का 1600 डिग्री सेल्सियस है और किसी का 1700 डिग्री सेल्सियस है, वो निश्चित हो गया, वो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। लेकिन इनका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका क्रम ही निश्चित नहीं है, इनका क्रम ही निश्चित नहीं है। तो कांच है, अब एक तरीका है इसका, अगर आप गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे, यानी कि इनके लिए अगर निश्चित नहीं कह सकते कि 20 से 30 तक ये पिघल सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर पिघल सकते हैं, या 40 से 50, तो एक निश्चित परास होता है, ऐसे नहीं 40 कहते हैं या 50 कहते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोसों में कह सकते हैं, इसमें एक निश्चित परास के मध्य ये पिघलते हैं। इसके अलावा अगर इसका एक मोल लें हम, एक मोल ठोस लेते हैं, तो एक मोल के लिए जो पिघलाने के लिए ऊर्जा है वो निश्चित अमाउंट में पता नहीं होती है इनके लिए, वो क्रिस्टलीय ठोसों में पता होती है कि निश्चित होती है। जो गलनांक एंथैल्पी है वो इनके लिए अलग होती है, इनके लिए निश्चित नहीं होती, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों के लिए वो निश्चित होती है, ठीक। तो इसके अलावा एक इसमें गुण पाया जाता है, समदैशिकता, यानी आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ए बी इस टाइप से, अब ऐसा है इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, क्रम ही नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ये है, ये कोई है, तो इस दिशा में भी लाइट की जो स्पीड है वो समान है, इस दिशा में भी लाइट की स्पीड समान है, और इस दिशा में भी लाइट की स्पीड समान है, यानी जो भौतिक गुण है वो अलग कणों के अलग अलग दिशाओं में एक जैसे हों,
एक जैसे हों, जैसे भीड़ लगी हुई है कहीं पे तो आपको एक जैसा दिखाई देगा, वहां पे कोई क्रम ही नहीं है। मेला है वहां पे सब एक जैसा दिखाई देगा, वहां पे आप क्रम की बात कर ही नहीं सकते हैं, तो सब एक जैसा दिखाई देगा, यानी सारी सारे जो गुण होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इसे बोलते हैं समदैशिकता, यानी आइसोट्रॉपी इसमें पाई जाती है ये। तो बच्चों इसके उदाहरण है, जैसे रबर है, रबर इसका उदाहरण है, रबर है, कांच है, ठीक है, और जितने आपके पॉलीमर हैं, पॉलीथिन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पॉलीथिन, तो ये इसके उदाहरण हैं। तो आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस हो गया, इनके आप दोनों की तुलना कीजिए, और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप नोट कर सकते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, इसके अलावा ठोस कठोर क्यों होते हैं, और नोट कर सकते हैं कि ठोसों में किस में क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय में विषम दैशिकता प्रभाव पाया जाता है, विषम दैशिकता पाया जाता है। ठीक, तो इनको आप, इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।